अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, जैसा कि हालात के पेश नज़र आपको पता है कि स्कूल अभी फिलहाल नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो हमने ये सोचा आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स हैं तो उसकी प्रिपरेशन भी आप लोगों को करवानी है, तो हमने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए हमने आपके लिए रिविजन वर्क वो सोचा है कि मतलब जो आपके पेपर से रिलेटेड ही हम आपको रिविजन वर्क करवा रहे हैं ताकि आप उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें और अपने फाइनल एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर ले सकें, ठीक है। बच्चों, अब आप लोगों को क्या करना है इस काम के लिए, आपको हमें लाजमी बात है आपका साथ हमारे लिए जरूरी है। जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। आप लोगों को अपनी कॉपी में रिवीजन वर्क का, जैसे हम क्लास में कॉलम बनाते थे वैसे ही रिवीजन वर्क का एक कॉलम बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने डालनी है हेडिंग रिवीजन वर्क वन, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन होगा वर्ड समरी का। अब आपने क्या करना है, पहला वर्ड, ये सारे वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक। वर्बली मैं आपको मीनिंग इसके बता दूंगी कि किसी बच्चे से कोई वर्ड मिस हो चुका होता है, कॉपी में नहीं लिखा होता उसने बाय मिस्टेक, तो वो अभी लिख सकता है, ठीक है। मैं वर्बली आपको मीनिंग बताऊंगी, लेकिन आपको ये सारे वर्ड्स अच्छी तरह याद करने हैं और याद करके जो कॉपी में आपने रिविजन वर्ड का कॉलम पोर्शन बनाया है वहां पर ये सारा टेस्ट अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के देना है, बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट देना है ताकि आपको आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। पहला वर्ड है आपका स्पेस, स्पेस मीन्स जगह। दूसरा वर्ड है आपका मिस्ट, मिस्ट मीन्स धुंध या फिर गर्द आलूद। तीसरा वर्ड है आपका सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब तब्दीली का अमल। फोर्थ पाम, पाम मतलब हथेली। लुब्रिकेशन चिकना, स्टिल मतलब साकत। स्टैटिक मुस्तहकम, कॉजेस वजूहात, स्क्वेज दबा हुआ, वेदर मौसम, ठीक है। बच्चों, इसके बाद प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और फिर इसका टेस्ट आप अपने पेरेंट्स या अपने कोई भी बिल्कुल ईमानदारी से अपने पेरेंट्स सामने बैठ के इसका टेस्ट दीजिएगा और अपनी कॉपी लाजमी लाके हमें चेक करवाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको और मजीद क्वेश्चन देंगे, ठीक है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जिस तरह आपके पेपर पैटर्न होता है कि उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी देते हैं, उसके बाद आपका हम टेस्ट लेते हैं। तो इसी तरह हम आपको इसमें भी इसी तरह प्रिपरेशन करवाएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, शॉर्ट भी होंगे। आज हमने आपको वर्ड्स लिख दी है, कल हम इसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में लाएंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताएंगे, उसके बाद हम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताएंगे। इसी तरह आप वन बाय वन टेस्ट अपनी कॉपी में करते रहेंगे और लाके हमें